Yes. This handsome dude will rock with Katrina alone. सर सब आपका वेट कर रहे हैं। मेरा वेट नहीं कर रहे, मैं कटरीना का वेट कर रहे होंगे। कहाँ हैं सब लोग? लॉन्ज में बैठे हैं। अच्छा जी, तो चल मैं आता हूँ। ओके सर, भगाता हूँ सबको मैं। भाई कैट के साथ ना मैंने डांस करना है, मैंने काला चश्मा डाल लिया। आई विल लुक सो सेक्सी फॉर यू। करेगा है? मेरे चश्मे को क्या आई फ्लू हो गया है? मैं करूंगी डांस। एक मिनट, कैटरीना के साथ डांस मैं करूंगी। मेरी और उसकी कमर भी तो सेम है। कमर सेम है, मैंने डांस करना है उसके साथ। मेरी बात सुन ले, मैं करूंगी डांस। मैंने डांस करना, मैं डॉक्टर मैं हूं, मैं करूंगा। अरे क्या बात हुई? हेलो जी, क्या कर रही हैं आप? हां एक सेकंड यार। हेलो कैट है तो नहीं आ सकती आप? हां क्या उसका मैं आऊं तो? कैट मैं आऊं? आधे घंटे के लिए भी नहीं आ सकती? अरे यार हमने बहुत तैयारी की हुई थी। अच्छा चलो कोई नहीं, टेक केयर, नेक्स्ट टाइम। क्या हुआ? क्या कहते कैट है? कुछ नहीं, कहती डॉक्टर से कह दो मैं नहीं आ रही, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बाहर जाके वेल्डिंग करो ना। बाहर मौसम बड़ा अच्छा है, घूम के आओ। चलो मैं तुम्हारे लिए गाड़ी मंगवाऊ, गाड़ी मंगवाता हूँ। ड्राइवर इनके लिए ऑटो लेके आओ। चलो चलो ऑटो, चलो ऑटो से जाए। यार कम से कम बाहर ही घूम लो। चलो यस, अब मैं करूंगा कैट के साथ अकेले में आज। आए 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 यार, बस कर ले यार, मेरे को बुखार हुआ पड़ा है और तू यहाँ पे बहनोई बन के लेटा हुआ खड़ा। मेरे को लेटना है यहाँ पे यार, मेरे को बहुत ज्यादा बुखार हो गया। इसको वहां रख, मैं वहां लेटता हूँ। सिद्धू साहब है? हाँ जी। मेरा बहुत बुरा हाल है, मेरे को बुखार हो गया। मैं 13 इंजेक्शन ले चुका हूँ, मेरा ठीक ही नहीं हो रहा। मेरे को कोई डॉक्टर का पता बताइए ना प्लीज। मशहूर गुलाटी? नहीं नहीं, मेरे को अपने इलाज पे यकीन नहीं है बिल्कुल भी। ना मेरे तो अपनी भी फीस नहीं आती, पता है बड़ा नुकसान होता मेरा, भाग जाए यहाँ से। मेरा बहुत बुरा हाल है सिद्धू साहब। वैसे डॉक्टर साहब बुखार हुआ कैसे आपको? वो ना मेरे को बुखार का फोन आया। मेरे को कहता कि मेरे को तेरे को होना, मैंने कहा हो जा। मैंने कहा कम से कम 104-105 होना। और यार कैसे होता बुखार? मैंने कहा आना तो हो गया बुखार, कैसे होना होता। हेलो। अच्छा मेरे तरफ। हाय सिद्धार्थ। हाय डॉक्टर मिश्र गुलाटी। हाय डॉक्टर। डॉक्टर मिश्र गुलाटी, बीपी बीबी। बीपी बीबी मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यार तुम्हें इसका मतलब नहीं पता, सोशल मैसेज है हर बात का, तुम्हें मतलब बताना पता। Katrina, I'm not well. अच्छा? आप बैठ के बात कर लीजिए, आइए। हाँ जी आप बैठ के बात कर लीजिए, आराम से बात कर लीजिए आप इधर बैठ के। Katrina आई ना, आपको ऐसे कौन आराम दिलाता है यार? मेरा Katrina जी क्या हुआ बताइए, क्या हुआ? बुखार है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा तेज बुखार है। मैं एक सेकंड ना मैं चेक करती हूँ। करिए तो आपने पता एक बार आपने कहा था कि आप मेरी वजह से सेक्सी हैं। मैंने कब कहा ये? मैंने कब? आपका वो गाना नहीं है शीला की जवानी, आई एम टू सेक्सी फॉर यू, उन्होंने मेरी तरफ हाथ करके कहा था यार। अच्छा ऐसे? नहीं 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 डॉक्टर, इसका मतलब है आई एम टू सेक्सी फॉर यू, मतलब मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तेरे हाथ नहीं आनी, ये भी तो कहा था ना। वो तो आपके लिए कहा था ना। नहीं, ये तो फिर आपके लिए, फिर बंदे को मिसलीड नहीं करना चाहिए ना मेरी तरफ उंगली, क्योंकि आपने, मैं तब से मांग के बैठा हूँ, आप मेरे लिए सेक्सी है, ये तो फिर दिल तोड़ने वाली बात होगी ना आपकी। ठग लिया फिर तो आपने। नेक्स्ट टाइम मैं फारा जी को बोलती हूँ इस तरफ की जगह हम लोग ऐसे करते हैं। मैं उधर आ जाना फिर।
कैट आपको पता है मेरे को बहुत ज्यादा बुखार है। मैं कुछ लाऊं आपके लिए? ठीक है, एक काम करिए, आप मेरा पता लेने के लिए आ जाइए और आते हुए हाँ थोड़ा फ्रूट ले आइएगा। बिरजू थोड़ा फ्रूट दे मैडम को, मैं बीमार तब से बैठा हुआ हूँ, लेट हूँ, कोई आ ही नहीं रहा। बिरजू फ्रूट दे दे। फ्रूट फ्रूट एक। अच्छा चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब मैंने आपके लिए कुछ लाई हूँ। बैंगन? हाँ ये था मेरे पास। ये कौन सा फ्रूट है भाई? चलो लेकिन आपके हाथ से तो मुझे बैंगन भी आम रस लगता है। एकदम दुशहरी आम जैसे लग रहे हैं। सॉरी आई एम नॉट वेल। कपिल शर्मा तुम हमेशा भाई सेल्फी लेते रहते हो, आज लो ना भाई मेरे लिए इतनी बड़ी हीरोइन कटरीना कैफ। मेरे को लेंगे बिल्कुल। हाँ ये फ्लैश थी। तभी कैसे अभी? चला बेटर लग रहा है। बेटर लग रहा है ना? एक सेल्फी ले लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब मैं आपकी बहुत अच्छी सेल्फी लेने वाला हूँ। ले लो ले। ठीक है आपने एक ऐसे पकड़ के रखो जरा इसको। चलो यार मेरी कोई आखिरी इच्छा थोड़ी है ये जो तुम मुझे ये लगवा रहे हो। मेरे को कैट जी जी मेरे को ना बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ठंड लग रही हो? मेरे को किसी तरह से गर्मी वगैरह मिल जाए तो मैं ठीक हो जाऊं, थोड़ा सा बहुत ठंड लग रही है मेरे को। और बैंगन खा लो। बैंगन में स्टोव लगा हुआ है, बैंगन खा लो। ये लीजिए ये लीजिए कंबल 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 ले लो कंबल कंबल ले लो। भाई मैंने पहली बार इतना क्रिएटिव आदमी देखा है, मतलब ऐसे मुझे कभी किसी ने नहीं मारा। आपको पता है इस तरह मारने से रिश्ते में दरार नहीं पड़ती क्योंकि पता नहीं चलता ना कौन मारता है। अब क्या हो गया? मुझे ना पता नहीं कुछ कुछ हो रहा है, मेरा सोने का मन कर रहा है पर मेरे को नींद आएगी नहीं क्योंकि मेरे को बुखार बहुत ज्यादा। कैट जी जी मेरे को कोई लल्लाबी वगैरह सुना दो। लल्लाबी? गाना हाँ जी कैसे होगा? वही कोई इंग्लिश में तो इंग्लिश नहीं तो हिंदी में तो लल्ला लल्ला लोरी है। चलो सो जा। क्या हुआ? मेरे को सांस नहीं आ रही। क्यों? मारने से नहीं सांस आएगी, कोई और तरीका सोचो आप। नहीं मारने से सांस थोड़ी होगी। मैं कुछ सांस नहीं आ रही। मैं कुछ सांस नहीं आ रही। मैं कुछ सिद्ध था। ओह माय गॉड अभी तक मरे नहीं। मैं मर रहा हुआ मैं क्या बताऊंगा तेरे को? हमको रिंकू देवी कहते हैं। हाँ जी नमस्ते। और जो सामने बैठे हैं सिद्धू साहब वो हमको जब अकेले में मिलते हैं ना तो हमको सेक्सी सेक्सी कहते हैं। अच्छा सिद्धू जी। और इनको तो सब चिकनी चमेली कहते हैं, आपको हैंडसम हंक कहते हैं, और वो जो बैठे हैं वहाँ पे वो कुछ भी कहते हैं लोग हंसते रहते हैं। रिंकू भाभी आज इधर कैसे आप? हम बदला लेने आए हैं। किस चीज का? हमारे जो हस्बैंड है ना उनके सपने में कटरीना कैफ आती है रोज, तो हम सोच रहे हैं उनके सिद्धार्थ के सपने में आएंगे तो बदला ले लेंगे उनसे। क्यों बच्चे को डरा रहा? बच्चे होंगे आपके लिए, हमारे लिए तो भरे पूरे मर्द हैं वो। अरे वाह। उनका जब पिक्चर आया था ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर उसी वक्त से सोच लिया था इनके प्रिंसिपल बन के रहेंगे हम। हाँ देखो रिंकू भाभी आप प्रिंसिपल मत बनो, आप मुझे एक सिटी केबल के लिए प्रोग्राम शूट करना है आप होस्ट बन जाओ, मुझे कहीं जाना है मुझे थोड़ा काम है। अच्छा आप होस्ट बन जाओ ठीक है।
हमने कभी किया ना। अरे कौन भैल करोड़पति नहीं देखती है आप? देखती हूँ सिटी केबल पे जो आता है, उसमें पार्टिसिपेट किया, आप होस्ट वैसा किया ना है। तो कोई बात नहीं, आज होस्ट करिए, जल्दी जल्दी लेके आइए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी केबल का प्रोग्राम कौन भाईल करोड़पति में। और इधर हमारे साथ हॉट सीट पर बैठे हुए हैं सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। अगर आपको बैठने में तकलीफ हो रहा हो तो हमारा गोद में भी आकर बैठ सकते हैं आप। अच्छा कुछ नहीं है, अगर बैठ सकते हैं। और इधर हमारे साथ बैठी हुई है कटरीना कैफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाभी जी आप खुश नहीं है क्या? क्या हुआ बताइए, मतलब आपकी आवाज से ऐसी फीलिंग आ रहे हैं मुझे, लेकिन अब जैसे आप आपका हीरो है। होता है बहुत हैंडसम हैंडसम, हमारा हीरो देखेंगे तो जीरो से भी नीचे है, माइनस में है। हम तो अपना जिंदगी कैसे निकाल रहे हैं आपको पता नहीं है। बहुत मुश्किल जीवन है हमारा। वैसे भी आपका हस्बैंड कहाँ है इस वक्त? और लेटा होगा घर पे, बैठा रहता है, सुबह कारखाना जाता है, 4 बजे कुंडी खोल के वापस घर पे आ जाता है। कुंडी खोल के? तो आप जब जाती है तो कुंडी बंद होता है? किसका? आपका? हमारा नहीं, कारखाना का कुंडी खोलता है। अच्छा। गेम का रूल हम आपको बता देते हैं। हाँ जी। बहुत ही सीरियस गेम है कौन भाईल करोड़पति। अब गेम का रूल है, इसमें आपको 4 पाइपलाइन मिलेगा। पहला मिलेगा पाइपलाइन रहेगा 4। अच्छा, एक नीचे है वो आपको मिलेगा ना, यूज कर सकते हैं। चार लाइफ लाइन की बात कर। अच्छा ऐसा है, चलिए आने दे। अभी हम लोग आपको बता देते हैं 4 जो लाइफ लाइन का पाइपलाइन जो भी है वो है। ऑडियंस पोल है, और स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और आंसर का लाइबिलिटी टेस्ट है। अच्छा अच्छा, तो आप अपना ही रिस्क पे खेलिएगा। ओके। या बिकॉज हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है आज। अरे मैं ये जो तुमने बात कही मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मतलब इतना बड़ा एक्सपर्ट आपके सामने खड़ा है और कह रही एक्सपर्ट ही नहीं है, तुम्हारे मुंह को जेल होनी बनती है। हेलो सिद्धार्थ, मैं बहुत आपका फैन हूँ। अरे शुक्रिया। कटरीना, मुझे तो आपका कैफ बड़ा पसंद है। मतलब मुझे मोहम्मद का कैफ इतना पसंद नहीं है, कटरीना का कैफ पसंद है। सिद्धू साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सिद्धू साहब अच्छे लग रहे हैं, आप अपनी तरफ देखिए ना कैसा लग रहा है, टोपी पहन के खेल में आए हैं आप। तू भी तो साड़ी पहन के आई है। मैं सिद्धू साहब आपका इतना बड़ा फैन हूँ, मैं बता नहीं सकता, मैंने बताने नहीं, जाओ जो करना कर। आपको याद है आपका मैच था 1990 में? अच्छा। भारत पाकिस्तान का मैच था, आपको वकार यूनुस 0 पे आउट कर दिया। मेरे को वकार यूनुस की वो बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने इसी चक्कर में मैंने आज तक नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया। एक मिनट, कैसा एक्सपर्ट है आप? मैं सिद्धू साहब बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, इनको पता ही नहीं है। मैं इतना एक्सपर्ट हूँ, मैं चलती बस से उतर जाता हूँ। मैं क्योंकि स्टॉप पे उतर पैसे मांगते हैं। मैं गालियों में इतना एक्सपर्ट हूँ, आप यकीन करें, मैं पहाड़गंज में रहता हूँ। हाँ जी। शाहदरा से बच्चे आते हैं मेरे से गाली सीखने। इतने बदतमीज, मैं उनको गाली सिखाता हूँ, मैं पैसे मांगता हूँ, वो गाली मेरे को दे जाते हैं। बाकी मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ आपका कटरीना जी। मैं कमली कमली यार थी, कमली बहुत ज्यादा। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, कमली या ज्यादा ली हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं, अब हम गेम खेलेंगे। ये क्या है, ये किसके लिए? यार मैं बचपन में मेरी माँ सीटी मारती थी, मैं सुसु करता था। मैं आधे घंटे से मार रहा हूँ, होने जा, मेरी माँ ने पागल बनाया मेरे को। तो चलिए हमारे बीच में एक्सपर्ट आ गए हैं, और इनका नाम है मिस्टर राजेश अरोड़ा। अरोड़ा कम हमारी राह में, रोड़ा ज्यादा है। तो चलिए खेला शुरू करते हैं। और उसके लिए आप तैयार हैं? बहुत ज्यादा। आप लोग तैयार हैं, लेकिन हमको अपना चेक करना है जरा। अच्छा, टैक्सी तो हम हैं, मान गए। मेरे मन में एक बात आ रही थी, मैं रोक नहीं पाया। हाँ। तुम जितनी मर्जी बिंदी सेट कर लो, वरना मुंह खराब ही लगेगा। सिद्धू साहब, मैंने एक बार बीमार लोमड़ी देखी। हाँ। आप यकीन नहीं करेंगे, उसका मुंह इससे ज्यादा सुंदर था।
अच्छा दिल्ली में, दिल्ली में मेरा कुत्ता जॉर्ज वो मेरे साथ रहता है, मैं दोनों साथ में टीवी देख रहे थे, शाम को मेरी ड्रिंक वगैरह उसके साथ मैं ले लेता हूँ, वो बड़ा कुत्ता है वो चुपचाप बैठा था, ये टीवी पे ही भौंकने लगा उसको बिल्कुल नहीं पसंद आया इसका मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। अभी हम कुत्तों का मुंह दिखाने के लिए तैयार नहीं हुआ है इधर। बहुत अच्छी बात है। हम इधर टीवी पे आ रहे हैं तो जनता का मुंह दिखा रहे हैं। पहला सवाल पूरा 50 लाख रुपया के लिए। पहला सवाल 50 पचास लाख रुपया कौन देगा? मुझे बात ना, मुझे समझ में नहीं आई कि ये सवाल पहले से घटिया था कि तुम्हारे मुंह से निकलने के बाद हुआ। मुझे तुम्हारा सवाल बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगला सवाल पूछो। आप एक्सपर्ट हैं, बीच में पट पट मत बोलिए, समझे आप? यार एक बात मैंने भी बोली, मुझे तुम बहुत पसंद आए यार, मुझे बहुत पसंद आए, बहुत पसंद आए। चलिए अगला सवाल है पूरा 75 लाख रुपया के। वाह 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 वाह, क्या सवाल है। सिद्धार्थ और कटरीना ये बताइए कि हनीमून के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? आपका ऑप्शन है ए शादी, बी मूड, सी मौका या डी पार्टनर। सब जरूरी है। कुंडी कुंडी, दरवाजा बंद और कुंडी। कैसे हो? अगर आप चाहें तो देखिए बहुत लंबा 75 लाख रुपया का सवाल है। हाँ। आप एक्सपर्ट का राय ले सकते हैं, लेना चाहें तो। एक्सपर्ट का राय ले इसके बारे में? देखो बड़े राय है ऐश्वर्या का, मेरा रोड़ा लेना तो ले लो। चलिए चलते हैं हम अगले राउंड की तरफ। राउंड लिया है। अगला सवाल है पूरा 3 करोड़ रुपया के लिए। सीख रहा है, सीख रहा है। सवाल मैथमेटिक्स का है। ओह, गणित का सवाल है। हाँ जी। कितने में से कितना निकालेंगे तो 0 बचेगा? कितने में से कितने में से कितना निकालेंगे, सबट्रैक्ट करेगा तो 0 बचेगा। 0 बचेगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन भी हाँ हमारे पास 4 है, कुछ कुछ में से कुछ, बी थोड़ा में से थोड़ा, सी बहुत में से बहुत, या डी सब में से सब। सब में से सब। फोनो फ्रेंड। नहीं गलत है, सब में से सब निकाल दोगे तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा कहाँ आएगा। मुझे तुम्हारा लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगले सवाल में हमको ज्यादा मजा आएगा क्योंकि अगला सवाल हमारे बारे में ही है। अच्छा अच्छा बोलिए। आपका सवाल है कि हम कौन सा कपड़ा पहने तो कटरीना से ज्यादा सेक्सी लगेंगे। आपके ऑप्शन है ए 3-पीस सूट, बी शेरवानी, सी प्लाजो। प्लाजो 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 होता है ना, प्लाजो। कितना हो, डी हो गया था? नहीं नहीं, सी हो। डी मिनी स्कर्ट। मिनी स्कर्ट। ई उससे भी मिनी स्कर्ट, एफ उससे भी ज्यादा मिनी स्कर्ट, ई बहुत ज्यादा वो वाला पैंट, शेमलेस जीन्स, मतलब शेमलेस जीन्स, जी बैकलेस ट्राउजर। पूरा ऑप्शन सुनिए, जी के बाद क्या आता है? एफ। एफ तो हो गया था ना, एच एच जी के बाद। हमारा सिर्फ एबीसी में प्रॉब्लम है। एच बैकलेस ट्राउजर, किसमें ज्यादा सेक्सी लगेंगे? और ऑप्शन दे, जेड तक ऑप्शन। मेरे ख्याल से इन्होंने बहुत ज्यादा ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन होते 4। हाँ, इन्होंने दे दिए 3500, इतने ज्यादा ऑप्शन आप दे रहे हैं। हमको कुछ भी करके सेक्सी दिखना है बस, कटरीना से ज्यादा हमारे पास नहीं बर्दाश्त कर सकते। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। मैं कैसे भी नहीं मानूंगा बेटे।
नहीं आपको मानना पड़ेगा, हम ऑडियंस बोल लेंगे हम, और यहाँ पे कटरीना जो है यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ डांस वांस करके दिखाएंगे, ऑडियंस हमारा फैसला करेगी कौन ज्यादा हॉट है, ठीक है? ठीक है। तो हम डांस करेंगे, जो भी जिसको मूवमेंट में अच्छा लगा वो बता देंगे। मेरे को बहुत अब आप लोगों के सामने हो गया है, ऑडियंस अपना अपना पोल दे दो, बता दो कौन हॉट है ज्यादा। मेरे ऑडियंस बड़े पसंद आए। काफी कंफ्यूजन है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने सिद्धू साहब आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने सीक्रेट की बहुत फिल्में देखी हैं। हालांकि उसमें स्टोरी वगैरह कुछ नहीं होती पर मजा बड़ा आता है। पर उसमें इतने गंदे गंदे एक्टर होते हैं पर फिर भी आदमी देख लेता है, लेकिन तुम्हारा मुंह मुझे पसंद नहीं आया। सिद्धू साहब आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने सीक्रेट की बहुत फिल्में देखी हैं। हालांकि उसमें स्टोरी वगैरह कुछ नहीं होती पर मजा बड़ा आता है। पर उसमें इतने गंदे गंदे एक्टर होते हैं पर फिर भी आदमी देख लेता है, लेकिन तुम्हारा मुंह मुझे पसंद नहीं आया। बहुत ज्यादा मैं कहता हूँ मैं तुम इधर एक्सपर्ट बनकर राय देने आए हो या हमारे मुंह के बारे में हिस्ट्री का चैप्टर बताने आए हो तुम? हमसे आप बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से छोड़ कर सब कुछ। आप बोल रहे थे हमारा मुंह ऐसा क्यों रहता है, हमारे मोहल्ले में ऐसा लोग रहता है इसलिए हमारा मुंह ऐसा रहता है, हम यहाँ से जा रहे हैं, हमको नहीं खिलाना खेलना है करोड़पति, हमारा दिल बैठा है, हमारा दिल बैठ गया है, बहुत मुश्किल है जीना हमारा। अरे नहीं, हमारा घर में एक बेडरूम है, इधर हम सोते हैं, इधर हमारी ननद सोती है, इधर हमारे पति सोते हैं, बच्चा कैसे होगा बताइए। आप टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। कुंडी हो भी तो क्या करें, कुंडी बीच में है ना कुंडा हमारा नाना, क्या करेंगे कुंडी का, जिंदगी खराब हो गई है। एक्सपर्ट जी से पूछिए क्या करें। सारा दिन हस्बैंड घर पे रहता, दो मिनट बाहर जाए आदमी आराम कर ले, ना घर पे सिर पे दाल गलता है हमारा, हमारे हस्बैंड का कर्नाटक का प्लेस करते है ना सिटी कबर में, वो सारा तुम्हारा हस्बैंड बाहर नहीं जाता, तुम बाहर चली जाया करो। अब हमने सुसाइड कर लिया है कि अब हम आज यहाँ से जा रहे हैं। आप रो मत। मैंने पहले भी कहा, अरे हम जहाँ आप लेके जाएंगे आपके साथ जा रहे हैं ना, हम तो बार बार देखने बार बार देखो देखने जा रहे हैं, तो हम भी बार बार देख लेंगे उसमें क्या है। इनकी फिल्म बार बार देखो, लेकिन इनका मुंह एक बार देख लो आप। देख लो, मैंने वो आपकी आम वाली एड देखी थी, जो आम में से रस निकलता है ना, जो आप ऐसे ऑटो में गिरता है, मैं कहता हूँ बड़ा मीठा था। अच्छा इनके आम में से रस निकलता है, हमने आम लाए कीड़े वाले निकले, आइए एक सेल्फी लेते हैं आपके साथ, बहुत मजा आया आपको देख के। मतलब जितना मुझे इसका मुंह गंदा लगा उतना आप दोनों को अच्छा लगा। आइए मैं आपके साथ सेल्फी लेता हूँ, आइए आइए। आप देखिए हमारा ऐसा नहीं है, मुंह इतना गंदा नहीं है। आइए आइए आप भी इधर आइए। हमारा आई नहीं रहा, कवर करके खड़ा हो गया। कटरीना आप इधर आ जाइए, आपका हमको बाहर कर दो। अरे बार बार रहो, ध्यान से आपका मुंह आ रहा है, बाहर हो जाओ। सेक्सी तो बहुत मजा आया, बिल्कुल बहुत मजा आया देख के। आप बहुत तो आप लोग ऐसे हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ना कपिल शर्मा शो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।